बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और एंकर अमन वर्मा, जिन्होंने संघर्ष और बागवान जैसी फिल्मों में काम करके अपने अभिनय की छाप लोगों के दिलों पे छोड़ दी, आखिर आजकल वह कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं? यह सवाल उनके चाहने वालों के जहन में अक्सर उठता है। तो आपको बता दें कि लोकल 18 से खास बातचीत में अमन वर्मा ने क्या कहा, सुनिए। There is a lot of history attached to लखनऊ, और अदब का शहर है, खाना बहुत अच्छा मिलता है, लोग बहुत कमाल के हैं और हिस्ट्री बहुत कमाल की है। तो हमेशा मन करता है कि मैं वापस आऊं, और जब भी मौका मिलता है, एक इवेंट अगर मुझे होस्ट करने का यहाँ मिलता है, I always say yes because it's an opportunity of coming back to my past. अभी फिलहाल मेरे OTT पे दो प्रोजेक्ट्स की शूट चल रहा है, नाम उनके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। सो बाकी टेलीविजन की कुछ बातें चल रही हैं। फिलहाल मैं ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ शोज़ को होस्ट करने के लिए, जैसे कि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं दिल्ली में था, कल वापस हैदराबाद में होऊंगा। तो फिलहाल होस्टिंग और ट्रैवलिंग बहुत चल रही है। नेक्स्ट टाइम जब आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। मैंने अभी बोला ना, खूबसूरत शहर है, तहजीब का शहर है, लोग खूबसूरत हैं, बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, खाना बहुत बेहतरीन है, कलरफुल सिटी। मेरा तो लखनऊ का तो पता नहीं, बट मैं उतना खाने पर फोकस करता नहीं हूँ। बट आई थिंक तंदूरी चिकन मेरा फेवरेट है, और कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, उसमें तेल बहुत होता है। तो प्रॉब्लम है कि वो तेल से मैं दूर रहता हूँ, तो अगर कम तेल वाला मिलेगा तो मैं खाऊंगा। तो अमन वर्मा जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी कर सकते हैं, इसके अलावा OTT में भी वह जल्द नजर आ सकते हैं। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।